पटना वर्सेस बंगाल वॉरियर्स क्या होने वाली है, हमारी ग्रैंड लीग एनालिसिस क्या होंगी, हमारी ग्रैंड लीग टीम उसको लेके हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, रिसेंटली प्रीमियर फैमिली में स्मॉल लीग के साथ साथ मेगा जीएल में परचम लहराई है, आपको देखने को मिल जाएगा तेलुगु वर्सेस बंगाल वाले मैच में मेगा जीएल रैंक वन प्रीमियर फैमिली से, हरियाणा वर्सेस तमिल तेलवाज मैच 49 रुपीज वाले कंटेस्ट में जहाँ पे प्राइज पूल 2.80 करोड़ का होता है रैंक वन प्रीमियर फैमिली से। फिर अगर हम बाद में बात कर लेंगे यहाँ पे हरियाणा वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स वाली मैच मेगा जीएल रैंक वन पीआर फैमिली से जहाँ पे हम लोगों ने 49 रुपीज लगा के 14.7 लाख 17,000 रुपीज विन किए थे। और यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल तेलवाज वाली मैच वहाँ पे मेगा जीएल टॉप रैंक हमारी फैमिली से थी। तो इस वीडियो में हम कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपको मेगा जीएल में टॉप पे लाके रख देगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे फाइनल टीम में कुछ भी फर्दर अपडेट्स आएंगे उसका अपडेट मैं आपको कहाँ पे करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो किस बात की देरी है, क्यों कंजूसी करना है मेरे दोस्त, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, इस मैच का मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो दे दिया है तो इसमें हम फटाफट बात करेंगे कि कौन सा डेटर किसके पास जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे और स्टैट्स को देखने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद इस मैच का डिटेल्स वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, काफी आपको मदद करेगा मिनी जीएल जीएल एसएल तीनों डिपार्टमेंट में। हम पहले बात कर लेते हैं यहां पे पटना पाइरेट्स के जो रेडर हैं वो किस डिफेंस के पास जाने वाले हैं, बंगाल वॉरियर्स का। तो बंगाल वॉरियर्स का डिफेंडर का पोजीशन जान लेते हैं, आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर पे शुभम शिंदे। फिर अगर हम बात कर लेंगे यहां पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे जेएसजीएस बोले तो जसकीरत सिंह, और आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर खेलते हुए शुभम शिंदे का भाई आदित्य शिंदे, और राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे वैभव गर्जे। अब अगर हम बात कर लेंगे पटना के पिछले मैच में जो स्टार्टिंग सेवन थे वहां पे सचिन तनवर हो, फिर यहां पे संदीप कुमार हो, या फिर यहां से आपको दिख जाएंगे मनजीत, तीनों के तीनों राइट रीडर। अगर ये तीनों रेडिंग में आपको फिर से स्टार्टिंग सेवन दिख जाए ना तो भैया इससे बेहतर मैच जीएल के लिए आप लोग के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि जब दोनों टीम लास्ट टाइम आमने सामने आई थी तो इस सीजन का सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसी मैच में बना था 102 पॉइंट्स के आसपास। तो जब ये तीनों जाएंगे रेडिंग करने के लिए ना, संदीप मनजीत या फिर आपको दिख जाएंगे सचिन तनवर, वो जाएंगे यहाँ पे आदित्य शिंदे के पास, फिर गर्जे के पास, फिर जाएंगे शुभम शिंदे के पास, वहां पे जसकीरत सिंह का कोई रोल नहीं होगा। अगर एम सुधाकर खेलते हैं उस कंडीशन में, या तो एम सुधाकर या फिर रोहित जो भी खेलेंगे वो लेफ्ट रेडर हैं, वो जाएंगे यहाँ पे शुभम शिंदे के पास, फिर जाएंगे जसकीरत के पास और फिर जाएंगे आदित्य शिंदे के पास। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के जो रेडर हैं वो किस डिफेंस के पास जाने वाली है पटना पाइरेट्स का। तो पटना पाइरेट्स के डिफेंडर का पोजिशन जान लेंगे, आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे कौन, अंकित। फिर अगर हम बात कर लेंगे राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे कैप्टन नीरज कुमार। फिर अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे केडी बोले तो कृष्ण ढूल। और अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे पिछले मैच में जो हमारे लिए तुरुप के साबित हुए थे मुर्गस्नन, ऐसे कुछ एक नाम थे ना, बाबू एम दिख गए मुझे, बाबू एम भैया क्या खेले थे भैया, आग से लगा दी थी। और ये सिर्फ पिछले मैच में किसके पास था, पीआर फैमिली के पास, और हम लोग किए थे क्लीन स्वीप। अब देखिए यहाँ पे इनके पास तो दो मेन रेडर होंगे ना, बाबू एम यहाँ पे पटना के डिफेंडर है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, तो ये आपको डिफेंडर का पोजीशन जानने को मिल गया होगा। अगर हम रेडिंग से बात कर लेंगे मनिंदर सिंह, उसके अलावा जो है आपको दिख जाएंगे यहाँ पे सेकेंड मेन रेडर नितिन कुमार, दोनों के दोनों आपको दिखेंगे राइट के साइड से रेडिंग करते हुए। अब दोनों जब राइट के साइड से रेडिंग करेंगे तो ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ पे अंकित के पास, फिर जाएंगे नीरज कुमार के पास, फिर जाएंगे कृष्ण ढुल के पास। ध्यान रखिएगा इनके पास एक लेफ्ट रेडर भी है जिसका नाम है श्रीकांत यादव, वो जाएंगे किसान डुल के पास, फिर जाएंगे बाबू एम के पास, फिर जाएंगे यहाँ पे अंकित के पास। तो अब आप मुझे बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो आपने यहाँ पे मिस कर दिया। राजा भाई एस विश्वास एक इनका सब्स्टिट्यूट लिस्ट में मुझे दिखता है, हमेशा आके खेलता है, उसको लेके थोड़ा सा बता दो, ठीक है कोई बात नहीं। एस विश्वास आपको दिखेंगे राइट के साइड से रेडिंग करते हुए, वो जाएंगे अंकित के पास, फिर जाएंगे राइट कवर नीरज के पास, फिर जाएंगे राइट कॉर्नर किसान डुल के पास। अब तो खुश होगे ना, अब तो जीएल लेके आ जाओगे ना। फिलहाल जो मैंने टीम बनाया है वो मैंने बनाया है बंगाल वॉरियर्स फेवरेट मानते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि पटना अपने धरती पे, भैया पटना अपने भूमि पे
आसानी से जीतने नहीं देगी बंगाल वॉरियर्स को। उसके बावजूद भी फिलहाल मैंने बंगाल को ही फेवरेट माना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बंगाल की जो डिफेंस है वो राइट की साइड से स्ट्रांग है। इनके पास लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए कौन, आदित्य शिंदे, राइट कवर पे दिखेंगे गर्जे साहब, और आपको राइट कॉर्नर पे दिख जाएंगे शुभम शिंदे, और उधर से इधर से जो है तीनों रेडर मैन, चाहे वो मनजीत हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो संदीप हो, तीनों के तीनों जाने वाले हैं। तो फिलहाल जो मेरी फैंटेसी की टीम है वहाँ पे मैंने शुभम शिंदे के साथ केडी को लिया हुआ है, फिर मैंने वैभव गर्जे को लिया है, नितिन कुमार धनकर को लिए, आदित्य शिंदे, रेडर से मैंने मनिंदर पाजी और सचिन तनवर को लिया हुआ है। मैंने कैप्टन वीसी यहाँ पे दिए हैं, किसको, मनी पाजी को, वीसी मैंने दिए एन कुमार धनकर को। राजा मैं क्यों, क्योंकि मैंने सामने से ना ही तो राइट कवर नीरज कुमार को लिया है, ना ही लेफ्ट कॉर्नर अपनी टीम में कौन है, अंकित को जगह दिया हुआ है। अगर आप उन दोनों में से किसी को भी लेते हो या फिर दोनों को लेके जाते हो तो भैया ये पेयर आप कतई मत लेके जाना। फिलहाल मैंने उन दोनों को नहीं लिया है, इस वजह से मैंने मनिंदर सिंह और एन कुमार धनकर को अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। ये हमारी स्मॉल लीग की भी टीम है और जीएल टीम नंबर वन भी है। अब वही हम बात करते हैं जीएल टीम नंबर टू, जीएल टीम नंबर थ्री, जीएल टीम नंबर फोर को लेके। तो जीएल टीम नंबर टू को लेके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा टीम वही है जहाँ पे मैंने शुभम शिंदे, किशन डुल, वैभव गर्जे, नितिन कुमार ढंकर, उसके अलावा आदित्य शिंदे, मनिंदर और सचिन तनवर को लिया हुआ है। कैप्टन मैंने मनी पाजी को दिए, वीसी मैंने यहाँ पे वैभव गर्जे को दिया हुआ है, क्योंकि इनके पास 100% अपॉर्चुनिटी बनेगा टैकल करने का। फिर अगर हम बात कर लेंगे अपने जीएल टीम नंबर तीन को लेके, टीम वही है मेरा, टीम में मैंने कुछ भी फेरबदल नहीं की है। शुभम शिंदे, किशन डुल, गर्जे साहब, एन कुमार धनकर, आदित्य शिंदे, मनिंदर और सचिन तनवर, कैप्टन मनिंदर और वीसी हमारे हैं शुभम शिंदे। अगर हम बात करेंगे टीम नंबर फोर को लेके तो मैंने वहां पे भी सेम टीम रखे, कैप्टन मैंने मनिंदर पाजी को दिया हुआ है, वीसी मैंने आदित्य शिंदे को दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा अगर आप पटना फेवरेट टीम बनाते हो तो आप अंकित, नीरज कुमार और किशन डुल का पेयर लेके चलना, जैसे मैंने यहाँ पे आदित्य शिंदे, गर्जे और शुभम शिंदे का पेयर यूज किया हुआ है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।